Hey guys, welcome back to our new vlog. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. हम भी ठीक है, बढ़िया है as usual. तो यार आज हम अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए आए हैं. हम लोग काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि अपनी गाड़ी का थोड़ा टचअप वगैरह कराना चाहिए. तो हम कुछ कुछ चीज़ें आज चेंज करवाने के लिए आए हैं. तो जो लोग हमारी गाड़ी में सफ़र करेंगे उन्हें आगे से चेंज मिलेंगी चीज़ें. थोड़ा मतलब अभी तो हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं गाड़ी में. फिर अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो फिर आगे भी करवाते रहेंगे धीरे धीरे. तो अभी गाड़ी में आज हम बेस ट्यूब लगवाने के लिए आए हैं. और हमारा वैसे प्लान था करोल बाग जाने का, पर करोल बाग दूर भी पड़ता है तो हमने सोचा पालम से लगवा ले. पालम हमारे घर के पास भी और यहाँ पर भी अच्छा सामान मिल जाता है. तो अभी बाकी डिटेलिंग हम आपको आगे से बताते हैं. हाँ, स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अभी आ रहा हूँ जय दादा देव कार एक्सेसरीज में. तो यहीं से मैंने सारा काम करवा रहा हूँ अभी गाड़ी का. जिन्होंने मेरा भी काम कराया मैं उन भैया से आपको मिलाता हूँ. भैया का नाम है गौरव नाम है भैया का. और इन्होंने हमारी गाड़ी में जो जो सामान लगाया है वो सारी आपको जानकारी देंगे भैया. भैया क्या क्या सामान लगाया अपने गाड़ी में? इसमें एक एम्प लगा है 4 चैनल का, वो डैम्पिंग सीट लगी है, एक रॉकफोर्ड की बेस टॉप लगी है 12 इंच. और भैया वायरिंग कौन सी? वायरिंग है मैक्सलिन की. अच्छा, तो यार मैं पहले वैसे भैया सोच रहा था कि ना इन्फिनिटी का लगाऊं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन्फिनिटी और रॉकफोर्ड में? इसका ही फर्क है बस. अच्छा, अलग अलग नाम है बस, है दोनों जैनमैन ही. अच्छा, जैनमैन है बाकी दोनों, है ना. वैसे भैया की शॉप में आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी, छोटी से लेकर बड़ी एक्सेसरीज तक. और जैसे कि भैया आप क्या बता रहे थे, ये क्या है? ये फ्लोटर है, मशीन स्टिकर वगैरह. अच्छा, लेजर मशीन भी है. अच्छा, स्टिकरिंग का भी काम है आपका? अच्छा, वैसे यहाँ पे स्टिकरिंग का भी काम है और सीट कवर्स भी लग जाते हैं और मैट भी लग जाते हैं ना, सारा काम है. हाँ, मेरे पास लेजर मशीन भी है. अच्छा, बनाने के लिए हो तो अच्छा. तो ये हाउस प्लेट अगर किसी को बनवानी हो तो यहाँ से बन जाएगी. भैया के पास सारा सामान है, सारी मशीन रखी हुई भैया ने. और भैया ने मेरे को प्राइस भी बहुत सही लगाया, बहुत जेन्युइन प्राइस लगाया है. तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसमें टोटल जितना भी एक्सपेंस है वो कितना लगा है. तो बेस ट्यूब लग रही है यार हमारी रॉकफोर्ड की. भैया ने हमको यही सजेस्ट करा कि ये बेस्ट है. वैसे पहले मैं इन्फिनिटी का भी सोच रहा था पर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये रॉकफोर्ड की लगवा रहे हैं. और एम्प है हमारा ये वाला SNB का, ये 4 चैनल वाला हमारा एम्प है. ये भैया भी सीट हटा रहे हैं, सीट हटाने के बाद इसके नीचे लगेगा हमारा एम्प. और ये भाई ने तब तक ये खोल दिया, हमारा सिस्टम बाहर निकाल दिया. यहाँ से वायरिंग कनेक्ट करेंगे. ये पीछे हमारी बेस ट्यूब इन्होंने फिट कर दी है. देखो स्पेस तो पूरी भर चुकी है ऑलमोस्ट. एक मिनट, ये बॉटल हटा लेता हूँ. स्पेस तो भर चुकी है स्पेस, इसमें अब ज़्यादा सामान आ नहीं पाएगा. थोड़ा बहुत ही सामान आ पाएगा जो भी आएगा, पर ठीक है यार, जब ये बजेगा इसमें सिस्टम तब इसकी साउंड पता लगेगी कैसी है. बाकी यहाँ तो अभी काम चल ही रहा है अभी. और दरवाज़ों में डैम्पिंग भी करवा रहा हूँ मैं, तो अभी पहले ये सारे खुलेंगे, पीछे डिग्गी का भी खुलेगा तो उसमें होगी डैम्पिंग. और ये मैंने सारा काम करवाया है यहाँ से जय दादा देव कार एक्सेसरीज एंड वर्कशॉप. तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डैम्पिंग हो रही है ना, तो इसमें तो होगी डैम्पिंग, इस डोर में होगी है. अभी इस डोर में कर रहे हैं भैया, तो उसमें अंदर होगी है, अंदर भी होती है डैम्पिंग. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये अंदर यहाँ पर हो रखी है, अभी बाहर भी लगाएंगे यहाँ पर. और उस साइड के दरवाज़ों में दोनों में लगेगी, चारों में मैंने करवा रहा हूँ डैम्पिंग और इसमें भी कर देंगे. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा साउंड का, मतलब जो वाइब्रेशन होती है गाड़ी में वो सब नहीं आएगी. गाड़ी का काम कराना ना सीरियसली बड़ा हेक्टिक काम है. मतलब तो खड़े खड़े टांगे इतनी दर्द हो रही हैं, पर ठीक है, अच्छी गाड़ी बन जाएगी तो यहाँ वहाँ जब जाएंगे तो बड़ी आवाज़ें आएंगी. अभी तो खैर गाड़ी का काम चल ही रहा है. और तब तक मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्लॉग्स को ऐसे ही देखते रहिए. थैंक यू सो मच. जो लोग हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो प्लीज़ कीजिए सपोर्ट हमें, ताकि हम और भी और चेंजेस करा सकें अपनी गाड़ी में, मॉडिफिकेशन कर सकें उसको. आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग अच्छी अच्छी हम लोग वीडियोज़ ला पाएंगे. तो मेरे आगे के जो कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट ख़राब था, तो उसके क्या है कि एक चेंज नहीं होता, तो मैं 2 डलवा रहा हूँ आगे के. तो आगे के जो मैं कंपोनेंट डलवा रहा हूँ वो JBL के डलवा रहा हूँ. इसका भी मैं प्राइस आपको बता दूंगा, इसका काफ़ी अच्छा साउंड है. तो ये लगने के बाद और बाकी जो सारा सामान लग रहा है वो लगने के बाद आपको मैं साउंड भी सुनाऊँगा कि कैसी इसमें साउंड आ रही है. तो अभी तो फिलहाल मैंने जैसे आपको बताया था वही डैम्पिंग का ही काम चल रहा है, क्योंकि डैम्पिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे. वैसे भैया ने बोला है कि इसमें वायरिंग नहीं दिखेगी, ज़रा सी भी कहीं पर नहीं दिखेगी, पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम होगा.
तो अभी तो लगे पड़े हैं सारे भाई, तो जैसे हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और ये बंदा तो खामा खा इतनी देर से परेशान हो रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को? बस मैं वेट कर रही हूँ फाइनल रिजल्ट आएगा। अच्छा फाइनल आउटपुट देखेगी? ये समझ नहीं आता। अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा अभी ऑलमोस्ट 60-70% काम तो हो गया है। अभी एम्प लग रहा है, एम्प दिखाता हूँ मैं आपको। अभी एम्प की फिटिंग हो रही है, ये वाला कंपोनेंट मैंने चेंज करवा दिया, उस साइड वाला चेंज हो रहा है जो वो भैया चेंज कर रहे हैं वहाँ पे। अभी ये एम्प की फिटिंग हो रही है, उसके बाद डैम्पिंग ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, बस यहाँ पर डैम्पिंग रहती है। उसके बाद इसके कनेक्शन तो हो चुके हैं, इसके कनेक्शन करवा दिए, यहाँ पर भी डैम्पिंग हो गई है, बस ये कंपोनेंट इन्होंने अभी फिटिंग करनी है, वहाँ पर भी फिटिंग हो रही है। और बंदा तो परेशान हो गया है। इस बंदे ने कहा था कि 2 घंटे लगते हैं, मैंने कहा था नहीं 2 से 3 लग सकते हैं, 3-3.5 घंटे, और हो वही रहा है। सो ऑलवेज अपनी बीवी की सुननी चाहिए। अच्छा, और जिनकी बीवी नहीं है वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुनेंगे कुछ भी। अभी आप बताना है क्या क्या खर्चा आया और क्या क्या सामान लगाया प्रॉपर? इसमें मैंने रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब लगाई है। अच्छा। एक 4 चैनल का एम्प लगाया है, तो वायरिंग हुई है एम्प की, 2 फिर स्पीकर लगाए, JBL के कंपोनेंट मैंने। अच्छा, ये वाले कंपोनेंट लगाए हैं। डैम्पिंग सीट लगाई है पूरी गाड़ी में, चारों दरवाजे डिग्गी। ये डैम्पिंग सीट कौन सी ब्रांड की लगाई है आपने? मैंने एडिसन की। अच्छा एडिसन की, तो कितना चल जाती है वो? हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छी है, लाइफ भले अच्छा, रिस्पॉन्स है, 3-4 साल चल जाएगा। अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है उसका। हाँ जी ठीक है भैया। और बाकी टोटल खर्चा कितना बैठ गया? हाँ 20,000 रुपये में। 20,000 मतलब गाड़ी बिल्कुल होगी तैयार। भैया बेस कैसी आएगी गाड़ी में पर बता दो। वो तो भैया आपको पता लगेगा ना जैसे आप गाड़ी में बैठोगे। नहीं फिर भी आपका एक्सपीरियंस है, मतलब सही है ना बेस इसकी? बढ़िया, इन्फिनिटी भी ठीक है वैसे तो। भैया जेन्युइन चीजों का मजा ही अलग होता है। हाँ ये तो है। उनकी वॉइस भी वोकल भी ना बिल्कुल क्लियर होगी हर एक चीज, चाहे वो बेस हो चाहे वोकल। तो भाई का यूट्यूब चैनल भी है, भाई किस नाम से है? जय दादा देव कार एसेसरीज। ठीक है, जय दादा देव कार एसेसरीज के नाम से है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर भी देख सकते हो भाई की वीडियोस। तो यार यहाँ पे आके आपको काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, भाई लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा और काफ़ी अच्छा काम करा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करा। और बिल्कुल बोल के भाई ने मेरे को ये बताया कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है और ये लोकल प्रोडक्ट है। मैं यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो और भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, भाई का नाम है गौरव। बाकी यार यहाँ पे आओगे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको काम भी मिलेगा, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। और बाकी बेस में अभी आपको सुनाऊंगा गाड़ी में बैठ के। तो यार वहाँ से हम लोग आ गए हैं और अब हम आपको सुनाएंगे साउंड, ठीक है, गाड़ी का साउंड। तो प्लीज़ मेक श्योर आप हेडफोन्स लगा के सुनना, क्योंकि वैसे आपको समझ में नहीं आएगा और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि रॉकफोर्ड का जो है बेस ट्यूब उसका साउंड कैसा है। वैसे अभी अगर मतलब अभी क्लैरिटी इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि मतलब आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सामने से इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मतलब हेडेक हो गया इतना ज़्यादा बेस है। हाँ तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको साउंड सुनाता हूँ इसकी। तो माने का बेस कैसी लगी तेरे को? अरे भाई मतलब कान बंद करके 50 पे चला रखा था, क्या ही बोलूं, तो अब ऐसे से कान ऐसे से हो रहे मेरे। तो मजा आ गया, पैसा वसूल है। हाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक चीज और यार, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे, ANM ब्लॉग्स ये भी लगवा लिया गाड़ी में मोनिका के कहने पे। तो अब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कराते रहेंगे और मॉडिफिकेशन वाले ब्लॉग्स भी हम लाते रहेंगे। तो यार इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, काफी थक गए हैं। हाँ कम से कम ये लगा लो कि 6-7 घंटे तो लगे गए वहाँ पे। हाँ मतलब इतना लगता नहीं है टाइम, लेकिन कभी कभार कुछ कुछ फॉल्ट आ जाता है चीज़ों में, तो चीज़ दोबारा चेंज करनी पड़ती है। तो हुआ यही था कि एक दो में लग गया था स्पीकर, फिर गलत लग गया, दोबारा लगाया उन्होंने। हाँ बस ये था, नहीं तो मतलब मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड।